गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथमेटिक्स का टॉपिक लेसन एंड फंक्शन, इसका एक वीडियो इससे पहले हो चुका है। दूसरा वीडियो है रिवीजन का। इसमें हमने पहले वीडियो में पढ़ा था चतुर्थ संबंध और सम्मिश संबंध। यहाँ पे तीसरा संबंध पढ़ेंगे, संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन। संक्रमक संबंध क्या होता है? यदि ए कामा बी बिलोंग टू, ए कामा बी बिलोंग टू आर हो और बी कामा सी बिलोंग टू आर, अगर ए और बी आर में है, बी और सी आर में है, तो क्या कह रहे हैं? यदि ए कामा बी बिलोंग टू आर हो और बी कामा सी बिलोंग टू आर हो तो यदि ए कामा सी बिलोंग टू आर है तो संबंध कैसा होगा? तो संबंध संक्रमक होगा। देखिए, कोई संबंध संक्रमक कब होता है? जब ए कामा बी और बी कामा सी रिलेशन में हो, तब हमें देखना है कि क्या ए कामा सी भी रिलेशन में है। तब यदि ए कामा सी भी रिलेशन में है तो संबंध संक्रमक होगा। जैसे मान लिया कोई सेट ए बराबर है 1, 2, 3 और एक संबंध ए क्रॉस ए में है, कोई ए क्रॉस ए में कोई संबंध आर वन जो है इस प्रकार से 1,1 है, 1,3 है, इस प्रकार से आर टू बराबर है 2,3, आर थ्री है 1,2, 2,3, 4,2,3, 3,2 और आर फोर बराबर 5 है और आर सिक्स बराबर है 1 क्रॉस। तो पता करना है कि ये संबंध संक्रमक होगा कि नहीं होगा। रिलेशन आर वन देखिए संक्रमक होगा कि नहीं होगा। तो संक्रमण में अगर ए कामा बी और बी कामा सी रिलेशन में हो तो देखना पड़ता है कि ए कामा सी रिलेशन में है या नहीं। तो देखिए, विकर्ण संबंध तो बिल्कुल देखिए मत, इसमें 1,1 हमें देखना ही नहीं है, 2,2 देखना नहीं, 3,3 देखना नहीं। वो अगर है तब भी कोई संबंध में फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं है तब भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, अब आगे देखिए, इसमें एक ऑर्डर पेयर दिया गया है 1,3 इसमें है, ए कामा बी इसमें है, तो बी कामा सी इसमें है ही नहीं। जब ए कामा बी और बी कामा सी दोनों नहीं है तो तीसरा हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर 1,3 है और 3,2 होता तो हमें 1,2 जरूरत पड़ता है। तो जब इसमें देखिए इसका क्रमित इसका दूसरा संक्रमक युग्म ही नहीं है तो हमें तीसरा इसमें युग्म देखने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पर यह संबंध संक्रमक होगा। देखिए, अगर जैसे विकर्ण संबंध को छोड़ दीजिए, 1,3 है और 3,4 होता तब 1,4 भी होना चाहिए था। इसका संक्रमक युग्म दिया ही नहीं गया है तो हमें आगे देखने की जरूरत नहीं। तो ये संक्रमक संबंध होगा। अब इसे 2,3 इसमें केवल एक ही पेयर दिया गया 2,3, तो 2 ए कामा बी और बी कामा सी दो हो तब तीसरा देखना है। ए कामा बी और बी कामा सी 2,3 और 3,समथिंग ऐसा होना चाहिए तब हम तीसरा वाला ए कामा सी देखेंगे। तो इसमें तो है ही नहीं संक्रमक पेयर, इसका मतलब ये भी संक्रमक संबंध है। देखिए, संक्रमक संबंध कब होगा? कि जब दो पेयर दिए जाए इस प्रकार से ए कामा बी और बी कामा सी इसी तरीके, तब तीसरा देखना है। जब दो दिए नहीं है तो तीसरा देखने की जरूरत ही नहीं है, तब ये भी संक्रमक संबंध है। ये देखिए 1,2 इसमें है, 2,3 इसमें है, इसमें देखिए संक्रमक युग्म दिया गया, 1,B है, 2,C है, 1,2 2,3 है। तो क्या 1,3 इसमें है? 1,3 भी आप इसमें देखना है, 1,3 इसमें होना चाहिए, 1,3 इसमें नहीं है, इसलिए ये संक्रमक संबंध नहीं है। अब फाई देखिए, फाई में देखिए, फाई क्या है? फाई ऐसा सेट है जिसमें कोई अवयव है नहीं, जिसमें जब 1,B है नहीं, बी कामा सी है नहीं, तो ए कामा सी देख रहे थे होते ठीक। तो इसका मतलब ये भी संक्रमक संबंध है, हाई भी संक्रमक संबंध है और ए क्रॉस ए सबसे बड़ा संबंध, इसमें तो सब कुछ होगा, तो ये तो संक्रमक संबंध होगा। 1,2 है, इसमें देखिए जैसे ए क्रॉस ए हम निकालें तो ए क्रॉस ए क्या आएगा?
एक क्रॉस किए एक कामा एक आएगा, एक कामा दो आएगा, एक कामा तीन आएगा, दो कामा एक आएगा, दो कामा दो आएगा, दो कामा तीन आएगा, ऐसे तीन कामा एक आएगा, तीन कामा दो आएगा और तीन कामा तीन आएगा। देखिए इसमें ये तो देखिए मत, ये मत देखिए और ये मत, अब वन कामा टू इसमें है, एक कामा भी है, बी कामा सी है, टू कामा थ्री है, देखो वन कामा टू है, टू कामा थ्री है, ए कामा बी है, बी कामा सी है, तो ए कामा सी होना चाहिए, मतलब वन कामा थ्री इसमें होना चाहिए, मिलेगा देखने के लिए वन कामा थ्री, वन कामा थ्री देखिए है ए कामा सी। और भी कहीं देखना चाहो देखो, टू कामा थ्री है और थ्री कामा वन है, ए कामा बी है, बी कामा सी है, तो टू कामा वन होना चाहिए, देखने के लिए टू कामा वन कहीं कहीं मिलेगा, ये है। अगर एक क्रॉस ए है, कार्तिक गुणनफल है, वो तो सतुल्य भी होगा, सममित भी होगा, संक्रमण भी होगा, ठीक। तो ये वाला संबंध क्या है, ये वाला संबंध संक्रमण संबंध है। अब इससे क्या पता चला कि सबसे छोटा संक्रमण संबंध क्या होता है, हाई, हाई सबसे छोटा संक्रमण संबंध और सबसे बड़ा संक्रमण संबंध क्या होता है, एक क्रॉस। जिस प्रकार से हमको ये भी पता चल गया कि सबसे छोटा संक्रमण संबंध और सबसे बड़ा संक्रमण संबंध क्या होता है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट दिया गया है, एक समुच्चय ए दिया गया है और इसमें संबंध आर, इस समुच्चय में एक राशि में एक संबंध आर इस प्रकार से है, आर बराबर क्या है, एक्स कामा वाई, और एक्स वाई कैसे निकलेगा इस इक्वेशन से, 3x - y = 0 अर्थात वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, 3x। ऐसा संबंध हमको यहाँ पे लिखना है आर, इनमें से एक्स वाई इनमें से लिए जाएंगे, x भी यही होगा और एक राश ए है यहाँ पे संबंध कोई, तो यहाँ पे x y अगर हम लिखे तो संबंध ऐसे लिखा जाएगा, x कामा y, अगर हम x बराबर 1 लेंगे तो y बराबर कितना लिया जाएगा, 3, क्योंकि y बराबर 3x होगा, 3x - y बराबर 0 तो y बराबर 3x, तो x बराबर 1 ले लें तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3, अगर x बराबर 2 ले लें तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6, x बराबर 3 ले लें y बराबर कितना हो जाएगा, 9, x बराबर 4 ले लें y बराबर 12, बस इतने ले सकते हैं, अगर 5 लेंगे तो y बराबर क्या होता है, 15 तक है, ठीक। तो रिलेशन क्या आया, ये आया। अब पता करना है ये सममित है कि नहीं है, सतुल्य है कि नहीं है, संक्रमक है कि नहीं है, ठीक। तो पहले तो सतुल्य देख लीजिए, सतुल्य में क्या होना चाहिए, सभी विकर्ण संबंध होने चाहिए, 1.1 भी होना चाहिए, 1.2 भी होना चाहिए, 3.3, ऐसे समझ लीजिए 1.3 इसमें है लेकिन 1.1 इसमें नहीं है, या 2.6 इसमें है लेकिन 2.2 नहीं है, तो कोई एक भी गलती नहीं है। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो 1.3 विलांश हुआ परंतु 1.1 नॉट विलांश हुआ, a.b है लेकिन a.a इसमें नहीं है, और अगर a.b विलांश हुआ है तो a.a भी विलांश हुआ होना चाहिए, तभी संबंध इसका मतलब ये संबंध सतुल्य नहीं है। देखिए अतः संबंध सतुल्य नहीं है। अब उसके बाद में सममित देखिए, देखिए चाहे सभी पेयर मिल जाए सममित वाले, एक भी अगर नहीं मिलता है तो संबंध सममित नहीं है, तो हमें गलती होती है। देखो एक का मान तीन इसमें है तो 3.1 इसमें होना चाहिए, तभी तो सममित होगा, 1.3 इसमें है लेकिन 3.1 इसमें नहीं है तो संबंध सममित नहीं है, कुछ भी लिखो, 2.6 इसमें है लेकिन 6.2 इसमें नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1.3 विलांश हुआ परंतु 3.1 डज नॉट विलांश हुआ, a.b तो है लेकिन b.a यार में नहीं है, रिलेशन में नहीं है, अतः संबंध सममित नहीं। अब संक्रमक देख लीजिए कि संबंध संक्रमक है कि नहीं है, संक्रमक में पहले तो संक्रमक पेयर है, 1.3 इसमें है तो क्या 3.1 समथिंग है इसमें है, 1.3 इसमें है, 3.9 इसमें है, अगर a.b और b.c है तब देखेंगे कि a.c होना चाहिए, तो देखिए इधर 1.3 बिलांग्स टू आर और 3.9 बिलांग्स टू आर
एक कामा तीन भी आर में है, तीन कामा नौ भी आर में है, तो क्या एक कामा सी है इसमें? एक कामा सी मतलब वन कामा नाइन, वन कामा नाइन क्या है इसमें? नहीं है, तो लिख देंगे वन कामा नाइन नॉट बिलोंग टू रूट ठीक। ए कामा बी है और बी कामा सी भी है, लेकिन ए कामा सी इसमें नहीं है। अतः संबंध, अतः संबंध संक्रमण नहीं है। तो जो ये वाला संबंध दिया गया है न तो ये सतुल्य है, न सममित है और न संक्रमित है। यही क्वेश्चन नंबर वन का सेकेंड पार्ट है कि प्राकृतिक संख्याओं में एक संबंध दिया गया स्तंभ, एक संबंध नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में दिया गया है, प्राकृतिक संख्याओं से प्राकृतिक संख्याओं में एक संबंध दिया गया है x का मान y, इस प्रकार से कि y बराबर क्या है x प्लस 5, लेकिन x लेस देन 4, x का मान 4 से कम, x का मान 4 से कम प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी 1 2 3। प्राकृतिक संख्या को x का मान पता चल गया 1 2 3, तो y क्या हो जाएगा, y का मान यहां पे निकाल लीजिए। तो संबंध क्या हुआ, पहले संबंध लिख लीजिए, संबंध है x का मान y, अगर x का मान 1 रखते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा 6, कमन एक रखिए वाई बराबर 6 आएगा। अगर x का मान हम 2 रखते हैं, प्राकृतिक संख्या लेंगे, x का मान 4 से छोटा हो लेकिन क्या होना चाहिए प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में एक संबंध है, तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होगी, तो x का मान 1 किया तो उधर 6 आया, x का मान 2 लेंगे तो यहाँ कितना आएगा 7, x का मान 3 लेंगे ये कितना देगा 8, 4 लेंगे तो ये दिया गया x का मान 4 से छोटा होगा 4 लेंगे, तो संबंध हमारा ये आया। अब पता करना है कि ये सतुल्य है कि नहीं है, सममित है कि नहीं है, संक्रमक है कि नहीं है, संक्रमक है। देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सतुल्य, सतुल्य में देखिए एक कामा छह संबंध में है, अगर एक कामा छह संबंध में है, अगर एक कामा भी संबंध में है तो एक कामा ए भी संबंध में होना चाहिए, एक कामा छह मिलान चार, परंतु वन कामा वन नॉट बिलोंग टू आर, कोई एक दिखा के सब दिखा के रुक नहीं, एक गलती दिखा दीजिए बस, एक कामा छः इसमें है लेकिन एक कामा एक इसमें, एक कामा भी है लेकिन एक कामा ए नहीं है ठीक। अतः संबंध, अतः संबंध सतुल्य नहीं है, यहाँ पे संबंध सतुल्य है। सतुल्य के बाद अपने निकालेंगे सममित, सममित में अगर ए कामा बी रिलेशन में है तो बी कामा ए रिलेशन में होना चाहिए, तो देखिए इधर वन कामा सिक्स बिलोंग्स टू आर है, परंतु सिक्स कामा वन नॉट बिलोंग्स टू आर, ए कामा छह तो आर में है लेकिन छह कामा एक रिलेशन में नहीं है, अगर ए कामा बी है और बी कामा ए नहीं है तो संबंध सममित नहीं होगा, अतः संबंध, अतः संबंध सममित नहीं। अब संक्रमण देख लीजिए, संक्रमण संबंध के लिए पहले संक्रमण क्रिया देखिए, एक कामा छह इसमें है, एक कामा बी है, तो क्या बी कामा सी इसमें है, बी कामा सी है ही नहीं, तो इसका हमें संक्रमण युग्म देखना ही नहीं है ठीक। यहाँ पे देखिए दो कामा सात है तो सात कामा समथिंग नहीं दिया गया, सात कामा समथिंग नहीं दिया गया, ऐसे तीन कामा आठ है तो आठ कामा समथिंग नहीं दिया गया, इसका मतलब ये संबंध संक्रमक है, संक्रमक पेयर अगर है तो हमको एक कामा सी देखना है, एक कामा बी बी कामा सी अगर है तो एक कामा सी देखना है, इसमें देखिए एक कामा बी नॉट बिलोंग टू आर और बी कामा सी नॉट बिलोंग, अगर एक कामा बी है तो बी कामा सी है ही नहीं, तो हमें सी कामा एक कामा सी देखना ही नहीं है, एक कामा छः इसमें है, अगर छः कामा कुछ होता है इसमें तो एक कामा उतना देखना, तो इसको देखेंगे, ऐसे दो कामा सात है, अगर सात कामा कुछ इसमें होता तो दो कामा उतना देखना, अगर तीन कामा आठ है तो आठ कामा कुछ इसमें होता ठीक, तो तीन कामा और देखना, इसमें इसका संक्रमक युग्म ही नहीं है, जब संक्रमक युग्म नहीं है तो हमको एक कामा सी देखने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या देगा संक्रमक संबंध की संबंध जो है वो संबंध संक्रमक संक्रमक
जो संक्रमक है एक कामा छः इसमें है, छः कामा संख्या है ही नहीं इसमें, क्यों इसमें संक्रमक युग्म नहीं बन रहे हैं, अतः संबंध संक्रमक। अगर संक्रमक युग्म बनता तो एक आमासी देखने की जरूरत थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि सिद्ध करना है कि वास्तविक संख्याओं में संबंध आर इस प्रकार से दिया गया है कि आर बराबर है एक आमा भी सदैव ए लेस देन इक्वल टू। सिद्ध करना है कि ये संबंध सममित होगा, ये संबंध स्वतुल्य होगा, संक्रमक होगा लेकिन सममित नहीं है। पहले स्वतुल्य संबंध देखें, नंबर एक स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब ए रिलेटेड बी, इस प्रकार के और बी में संबंध है, ध्यान दीजिएगा, ए बी से इस प्रकार रिलेटेड है कि ए लेस देन इक्वल टू, अगर ए लेस देन इक्वल टू बी है तो उसको ए रिलेटेड बी लिखा गया। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए लेस देन इक्वल टू बी है तो उसको लिख सकते हैं ए लेस देन इक्वल टू ए, अरे ए ए के बराबर तो होता है, ए लेस देन इक्वल टू ए लिखा जा सकता है, इक्वल लगा होगा तो नहीं, ए लेस देन ए नहीं होता है लेकिन लेस देन आर इक्वल टू ए तो होगा। ठीक, तो ए लेस देन आर इक्वल टू ए लिखा जा सकता है, अगर ए लेस देन इक्वल टू बी है तो लिखा गया ए रिलेटेड बी, और अगर लिखा है ए लेस देन इक्वल टू ए दिस इंप्लाइज, दिस इंप्लाइज ए रिलेटेड, ऐसा लिखा जाएगा, अगर ए रिलेटेड बी है तो ए रिलेटेड ए आ जाए तो ऐसा संबंध क्या होता है, तो लिख देंगे अतः संबंध संबंध स्वतुल्य। उसके बाद में सममित देख रहे कि संबंध सममित है कि नहीं, देखिए ए रिलेटेड बी कब है, जब ए लेस देन इक्वल टू बी, अगर ए लेस देन इक्वल टू बी है तो ए लेस, देखिए देखिए ऐसे इसको नहीं लिख सकते, बी लेस देन इक्वल टू ए नहीं लिख सकते, बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए लिख सकते, मतलब ए लेस देन इक्वल टू बी लिखा है तो उसको हम बी लेस देन इक्वल टू ए नहीं लिख सकते, ये वाला साइन जो है बड़ा वाला बी की ओर ही रहेगा, बराबर वाला तो रहेगा जरूर लेकिन बड़ा वाला तो बी की ओर रहेगा, ये चेंज हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे बी नॉट लेस देन इक्वल टू ए ऐसा नहीं, ए बी से छोटा या बराबर है लेकिन बी क्या होगा, ए से बड़ा या होगा, तो बराबर वाला तो साइन मिला लेकिन छोटा वाला नहीं मिला। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ए नॉट बी नॉट रिलेटेड, बी नॉट रिलेटेड, ए बी से तो संबंधित है कैसे, कि ए लेस देन इक्वल टू बी है। ठीक, लेकिन क्या बी लेस देन इक्वल टू ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए लिख सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब बी ए से संबंध, जो संबंध ए का बी से है वही संबंध बी का ए से नहीं है, तो बी नॉट रिलेटेड ए, अतः संबंध सममित नहीं है, अतः संबंध सममित नहीं है। आप संक्रमक देखिए, संक्रमक में मान लेंगे, माना ए लेस देन इक्वल टू बी और बी लेस देन इक्वल टू सी, ये मान लिया कि ए बी से छोटा या बराबर और बी सी से छोटा या बराबर, इसका मतलब दिस इंप्लाइज ए रिलेटेड बी और बी रिलेटेड सी, ऐसा मान लिया ए बी से किस प्रकार से संबंधित है, कि ए लेस देन इक्वल टू बी है और बी सी से किस प्रकार से संबंधित है, कि बी लेस देन इक्वल टू सी है, जहां पे b लेस देन इक्वल टू c लिखा जाएगा उसको लिखा जाएगा b रिलेटेड c, जहां a लेस देन इक्वल टू b है उसका मतलब है a रिलेटेड b, तो बताइए a लेस देन इक्वल टू b है b लेस देन इक्वल टू c है तो क्या a लेस देन इक्वल टू c होगा, क्या a लेस देन इक्वल टू c होगा ये देखना, देखिए a b से छोटा या बराबर है, b c से छोटा या बराबर है, तो a भी तो c से छोटा या बराबर होगा भाई, एक दो से छोटा, दो तीन से छोटा तो एक दो तीन से छोटा होगा। ठीक, और बराबर अगर है तो बराबर हो गई, बराबर तो सममित संबंध होगा, ए बी के बराबर, बी सी के बराबर, तो ए तो सी के बराबर होगा ही, तो छोटा और बराबर दोनों संबंध हो जाएंगे इसमें,
इसे क्या पता चला कि a less than equal to c, this implies a related c। देखो हमने माना था a related b और b related c है, तो a related c आ गया, अतः संबंध कैसा होगा, अतः संबंध संक्रमक होगा, अतः संबंध संबंध संक्रमक, संबंध संक्रमक, ठीक। तो ये संबंध सतुल्य है, संक्रमक है, लेकिन सम्मिलित नहीं है। देखिए एक समुच्चय ए दिया गया 1 2 3, कुछ मान लो समुच्चय कोई दिया गया 1 2 3, मान लिया एक समुच्चय ए है 1 2 3, और इस समुच्चय ए का एक संबंध दिया गया है, उसमें बहुत से संबंध होंगे, ऐसे एक संबंध इसमें दिया गया है 1 2 और 2। पता करना है यह संबंध कैसा होगा, सम्मिलित है कि संक्रमक है कि सतुल्य है कि तीनों है, ये पता करना है। तो इसके लिए देखिए पहले सतुल्य देख लीजिए। देखिए सतुल्य में प्रत्येक x बिलोंग्स टू a के, x बिलोंग्स टू जो भी सेट है उसके लिए, प्रत्येक a बिलोंग्स टू, ऐसे लिखते हैं प्रत्येक a बिलोंग्स टू सेट a के लिए a कॉमा a भी रिलेशन में होना चाहिए। देखिए सतुल्य संबंध क्या कह रहा था, प्रत्येक यहाँ पे आगे ऐसे लिखा जाता है प्रत्येक a बिलोंग्स टू a के लिए a कॉमा a बिलोंग्स टू r होना चाहिए, हर जो हर एलिमेंट जो इस सेट में है उसके लिए a कॉमा a रिलेशन में होना चाहिए। जैसे अगर 1 इसमें है तो 1 कॉमा 1 रिलेशन में होना चाहिए, 2 इसमें है तो 2 कॉमा 2 भी रिलेशन में होना चाहिए, 3 सेट में है तो 3 कॉमा 3 भी रिलेशन में होना चाहिए। देखिए ना तो इसमें 1 कॉमा 1 है, ना 2 कॉमा 2 है, ना 3 कॉमा 3 कुछ नहीं है। अगर बाय चांस 1 कॉमा 1 भी होता, 2 कॉमा 2 होता, तब भी रिलेशन ये सतुल्य नहीं हो पाता, तीनों होने चाहिए, 1 कॉमा 1 भी होना चाहिए था, 2 कॉमा 2 भी होना चाहिए था, और 3 कॉमा 3 भी होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए 1 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, ऐसे लिख दीजिए, चाहे 2 कॉमा 2 लिख दीजिए डज नॉट बिलोंग टू आर, चाहे 3 कॉमा 3 डज नॉट बिलोंग टू आर लिख दीजिए, एक भी गलती पकड़ लीजिए केवल, तो 1 कॉमा 1 नॉट बिलोंग टू आर, अतः संबंध सतुल्य नहीं, अतः संबंध सतुल्य नहीं। उसके बाद में सम्मित देख लीजिए, सम्मित में कहता है यदि, देखिए इसमें कहता प्रत्येक ए बिलोंग टू ए के लिए, कि हर जो एलिमेंट इसमें है उसके लिए ए कॉमा ए रिलेशन में होना चाहिए, और इसमें कहता यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये सम्मित संबंध कहता है कि अगर रिलेशन में ए कॉमा बी है तो रिलेशन में बी कॉमा ए होना चाहिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक। तो देखिए इसमें 1 कॉमा 2 है तो इसमें 2 कॉमा 1 भी होना चाहिए, है बाकी कुछ है नहीं, उसे लेना देना नहीं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर तथा 2 कॉमा 1 बिलोंग्स टू आर, दोनों है इसमें, ए कॉमा बी भी है तो बी कॉमा ए भी, हाँ आगे 1 कॉमा 3 लिख देते तो सम्मिलित नहीं, अगर 1 कॉमा 3 लिखते तो 3 कॉमा 1 भी होना चाहिए, ठीक। अगर 1 कॉमा 3 होता तो 3 कॉमा 1 होना चाहिए, ठीक। तो अगर नहीं है तो कोई मतलब नहीं, तो 1 कॉमा 2 है तो 2 कॉमा 1 होना चाहिए, 1 कॉमा 2 है तो 2 कॉमा 1 भी है, अतः संबंध कैसा हो जाएगा, सम्मिलित, अतः संबंध सम्मिलित। आप देखिए संक्रमक देखिए, संक्रमक है संक्रमक में, संक्रमक पेयर अगर है ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी, ये 2 पेयर अगर है तो तीसरा होना चाहिए, अगर ये दोनों पेयर नहीं है तो तीसरा जरूरी नहीं। देखिए 1 कॉमा 2 ए कॉमा बी है तो 2 से स्टार्ट होने वाला पेयर होना चाहिए था, तो 2 से स्टार्ट होने वाला पेयर है, मतलब संक्रमक पेयर है कौन कौन से, 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर और 2 कॉमा 1 बिलोंग्स टू आर। देखो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है और बी कॉमा सी, इसमें ए बराबर 1 है, बी बराबर 2 है, सी बराबर भी 1 है, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो क्या ए कॉमा सी है, सी ए कॉमा सी मतलब 1 कॉमा 1 के रिलेशन में है, नहीं है, यहाँ पे लिख देंगे 1 कॉमा 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो अगर ऐसा नहीं है तो अतः संबंध क्या होगा, अतः संबंध संक्रमक नहीं। हाँ 1 कॉमा 2 होता
और 3,1,2 होता और 3,3 होता तो हमको जरूरत नहीं थी। यदि यहाँ पे ऐसा होता कि रिलेशन ऐसे होता 1,2 इधर 3,1 कर देते ऐसे, देखो 1,2 है, 1,B है, 2,C है, ये नहीं तो संक्रमण हो जाता। लेकिन इसमें 1,B है, 2,C भी है तो 1,C देखना पड़ेगा, और 1,C अगर नहीं है तो संबंध संक्रमण नहीं। तो अतः दिया गया संबंध स्वतुल्य भी नहीं है, संक्रमण भी नहीं है और सम्मित